दोस्तों टाइगर थ्री से इमरान हाशमी का नाम जुड़ने पर यह बार मानो हर तरफ खलबली मच गई। और जैसे कि यहाँ सभी सलमान और इमरान हाशमी को आपस में भिड़ते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिख रहे थे। और उसमें तो जब यहाँ इमरान हाशमी से पूछा गया कि क्या वो टाइगर थ्री कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे कि इस पर इमरान हाशमी कहते दिखे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो जैसे कि जहाँ एक तरफ यहाँ फैंस जो कि यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड है इमरान हाशमी को लेकर, खासकर सलमान खान के ऑपोजिट टाइगर थ्री में देखने के लिए। और इसमें यहाँ सभी ऑफिशियली ये तो जानना ही चाहते हैं कि क्या इमरान हाशमी सच में यहाँ पर टाइगर थ्री में भिड़ेंगे सलमान खान से। लेकिन जैसे कि यहाँ पर इमरान हाशमी तो इस बारे में कुछ भी कहने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं दिख रहे, क्योंकि जैसे कि दोस्तों यहाँ हाल ही में बॉलीवुड नाउ के इंटरव्यू में यहाँ पर इमरान हाशमी साफ साफ कहते दिखे कि इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। साथ ही जैसे कि रिपोर्टर से बात करते हुए यहाँ पर इमरान कहते दिखे कि आप ही लोगों ने ये न्यूज़ ब्रेक की है और मैं फिलहाल इस बारे में चुप ही रहूँगा। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इमरान के कहने के अंदाज को देखा जाए तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ इमरान कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि यदि यहाँ इमरान इस फिल्म को नहीं कर रहे होते तो शायद यहाँ इमरान साफ साफ मना कर देते। लेकिन जैसे कि यहाँ फिलहाल तो इमरान इस फिल्म को लेकर यस नो अभी तक नहीं कहते दिखे है। ऐसे में जैसे कि देखने को मिलती है कि यहाँ यशराज फिल्म्स जो कि अपनी फिल्मों के अनाउंसमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है, तो उसमें यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि फिल्म के स्टार्स इस बारे में अभी हमें कहते शायद नहीं दिखे। लेकिन जैसे कि यहाँ काफी जल्दी ऑफिशियली भी ये हमें जानने को मिल सकता है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।